अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इजी पैसा अकाउंट में जो है अब न्यू अपडेट लॉन्च हुई है दोस्तों। ये अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। ये जो न्यू अपडेट आई है स्पेशली पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे हैं उनके एज जो है वो 18 साल से कम है यानी 17 साल है, तो अब ये है कि आप अपने रेफरेंस से जो आप अपने बच्चे के लिए अकाउंट बना सकते हैं ये नेक्स्ट जेन अकाउंट के नाम से। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो मेरे साथ एंड तक ज़रूर देखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। तो फ्रेंड आपने इजी पैसा एप्लीकेशन ओपन करने है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ बातें नोट करनी है। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि आप पेरेंट से आपने अपने शनाती कार्ड पर सिम खोला हुआ है उस पर आपने इजी पैसा अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप अपने इजी पैसा अकाउंट के रेफरेंस से जो है आप अपना बच्चे के लिए अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने दोस्तों यहाँ पर अकाउंट बनाना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो इस पर मैंने वीडियो बनाई, वो भी आप वॉच करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना इजी पैसा एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ। तो आपने लेफ्ट साइड पर आपने डीपी पर क्लिक करने, डीपी पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये पेज आ जाएगा। तो फ्रेंड आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ओपन न्यू जेन अकाउंट, इसका मतलब ये न्यू जेन का मतलब है कि न्यू जनरेशन, ठीक है। तो आप अपने रेफरेंस से जो अपने बच्चे के लिए अकाउंट बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहे तो आपने प्ले स्टोर में जाने, वहाँ पर आपने इजी पैसा एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने करना ये कि बहुत सिंपल है, आसान है। आपने ओपन न्यू जेन अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से डिटेल शो की आ जाएगी, प्लीज़ इंटर चिल्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर आपके जो बच्चे उसका डिटेल आपने देना है, उसका एज जो है 12 साल से लेकर 17 साल ईयर्स ओल्ड तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे लिखा होगा मोबाइल नंबर ऑफ चिल्ड, आपका जो बच्चे है मतलब उसके पास जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पर देने। और नीचे दोस्तों आपको लिखा होगा बेफाम और सीएनआईसी नंबर, मतलब अगर आपके बच्चे का बेफाम या सीएनआईसी है तो उसका जो नंबर है एनआईसी नंबर वो आपने लिखने। और नीचे दोस्तों आपने ये करने बेफाम और सीएनआईसी का डेट ऑफ इशू, मतलब बेफाम या सीएनआईसी आपने जिस तारीख को बनाया हुआ था वो आपने यहाँ पर वो डेट आपने लिखनी, ठीक है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने करना ये कि आपको नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, आपने इस बॉक्स पर टिक करना है। इसलिए मेरे को दोस्तों नेक्स्ट जेन अकाउंट नीचे नहीं शो कर रहे क्योंकि इसमें मैं एक बना भी चुका हूँ, तो आपको मैं बताने समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बहुत सिंपल है, आपने इसको यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर लेने और नीचे आपने इसको क्रिएट कर लेने, तो आपका ईजी आपका रेफरेंस है जो आपका बच्चे का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने इजी पैसा अकाउंट जो है नेक्स्ट जन अकाउंट पर आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।